प्रॉब्लम्स की ने उन्होंने कन्फ्रंट करने वास्ते की करना चाहिए पार इस वास्ते वजूद च मार्ज वजूद च आया क्या जनाब का स्ट्रैटेजिक भी इस चीज से बिलीव कर रहा है जी असी भी तकरीबन यही मसलन साढ़े को जो एक इदारा है ना वफाक ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वह सेंटर फॉर एडवांसमेंट इन माइक्रोबायोलॉजी कैंप जड़ा हाँ जड़ा के हाइब्रिड जो वराइटीज ने कॉटन दियाँ प्री बेसिक और बेसिक अच्छा हाँ डेवलप कर एग्रीड ये मतलब है, मैं हूँ अगली गल जी पूछना लगा था थोड़े को कि थोड़ा एग्रीकल्चर च फोकस एरिया की है क्या फर्टिलाइजर्स वाल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाल फर्टिलाइजर्स वाल सीड वाल पेस्टिसाइड्स वाल ये सारी एरियाज़ नू देख रहे हो असी मेनली जरा दो तीन ज एरियाज़ ने एक तो असी कहने कि जी जड़ी मेन तुहाड़ी पेस्टिसाइड्स ने जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पाकिस्तान च इंपोर्ट हो रही ने और बहुत सारा तुहाडा जरा फॉरन एक्सचेंज है स्पेंड खर्च हो रहा है उन्होंने इतने डिवेलप करने की कोशिश करिए और रिसर्च जी है ना वो जारी है एक दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जड़े ने क्योंकि फूड सिक्योरिटी आस्ते तुहानू पता है हुण बहुत सारी चीज़ां जड़ियां ने और फार्मिंग पैटर्न जड़ा वह चेंज हो गया सही गल है इनोवेशन जी इनोवेटिव अडॉप्शन जड़ी है अडॉप्शन एंड अडैप्टेशन और ये सारा कुछ जड़ा ना ये आ रहा है और तीसरा सीड दे विच मसलन यही कॉटन का सीड जड़ा हाइब्रिड ये सीड अच्छी क्वालिटी और अच्छे करैक्टरिस्टिक्स दे नाल और मुनासिब रेट दे विच ए लोगों नू देना ए भी मतलब है कि यानी तुसी जिहड़े एरियाज नू फोकस कर रहे हो नंबर एक पेस्टिसाइड्स जी नंबर दो सीड्स नंबर तीन न्यूट्रिएंट्स ठीक हो गया अच्छा हुण असीं ओह पहला गल करिए कि सीड दे विच तो देखो पाकिस्तान दे विच जिहड़ी साडी मेजर कैश क्रॉप्स ने ना जनाब नंबर एक यकीनन कॉटन है जी नंबर दो राइस है नंबर तीन स्टैपल फूड के तौर पर साड़ी वीट आ गई और फिर नंबर चार साड़ी जी पोल्ट्री इंडस्ट्री बेशुमार डिपेंड कर रही है कॉर्न ते मकई ते जनाब केड़े केड़े सीड्स नू वेख रहे ने इन्हां इन्हां ते काम हो रहा है जनाब दा इनिशियली या समझ लो कि पहले उहदे फर्स्ट उहदे तौर ते असी सिर्फ कॉटन नू देख रहे हैं अच्छा हाइब्रिड जिहड़ा ना कॉटन उहदे बाद फिर बीटी सॉरी हाइब्रिड कह रहे हां मैं वही अर्ज कर लगा था हाइब्रिड और बीटी दो चीजें ना बीटी देख रहे हैं उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉर्न बिकॉज कॉर्न भी सेकंड नंबर पे आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा इसका यूज हो गया और सानू काफी सारी इंपोर्ट सब दो चीजें ना मैं समझना वा कोई साहब दो चीजें ने नंबर एक ते यूज वाल ध्यान मारी दे ठीक है वो तो हर चीज का यूज है इस वे पाकिस्तान च अगर यूज वाल ध्यान मारो पाकिस्तान की अगर इंपोर्ट बिल फूड आइटम इंपोर्ट बिल वाल ध्यान मारो तो हाईएस्ट इंपोर्ट्स बिगेस्ट इंपोर्ट्स जड़ियां ने एडिबल ऑयल्स दियां जी एडिबल ऑयल्स ठीक हो गया बिल्कुल सही हाँ दूसरी अहम चीज है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज वैरायटी ठीक है सर बिल्कुल हाई यील्डिंग वैरायटीज बिल्कुल कॉर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ 110 ਮਣ 100 ਮਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯੂਸਫ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਲਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਨ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਡਬਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਲਾਈਨਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ 17-18-20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਾਟਨ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁ�ਲ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਡਿੱਪ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਜੇ ਫੁੱਟੀ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਲਡਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਯੀਲਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 100 ਮਣ ਚੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਮੈਂ 80 ਮਣ ਚੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਨੋਕ੍ਰਾਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਅਰਲੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ
कुछ बीज असी दिता है और उदा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है, मतलब बड़ी समझ लो कि एक तो हाई यील्डिंग भी है वे वरायटी की, प्लस ये कि अटैक बहुत घट है। बुरे वाला एरिया और विहाड़ी एरिया जिथे उन्होंने लगाया और अटैक से भी दो गल्ला होंदियां ने। कॉटन के पाकिस्तान सब तो सीरीयस प्रॉब्लम जी है ना जी, दैट इज वायरस जी, ठीक है, लीफ सीएल सीएल ठीक है जी, कॉटन लीफ कर्ल वायरस जिदी वजह तो सी परेशान होने हैं। बाकी अदरवाइज जे बोलवर्म सन वो बीटी ने वैसे ही खत्म कर दिया। सकिंग दा काशकार नु पता है कि सकिंग दा अमीडा क्लापर ला के बीजदा है, फिर उस बाद सकिंग वास्ते टैंकी चुकी रखता है, और फिर बीटी कॉटन दे आउण नाल उन्हें पता है कि एक पाह इन्हें टोरी रखनी है। बिल्कुल है सर, हूं तक साड़ी कैंब ने कोई वरायटीज डिवेलप कीतियां? हाँ जी, दो वरायटीज जड़ियां ने उन्होंने दितियां ने। अच्छा, और उन्होंने बड़ा अच्छा सक्सेसफुल रिजल्ट है। बाकी हम इस साल तो समझ लो ए जड़ा दोबारा हम उन्हें देना है सीड देना है, वो समझ लो कि उन्होंने कमर्शियल लैवल ते होएगा। ये उन्होंने सिर्फ ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस कुछ जो प्रोग्रेसिव लोग जड़े ने उन्होंने दिता है। बहुत करैक्टरिस्टिक्स दसे के जी एदे काफी बेहतरी आई है, हुण मतलब है कि उन्हूं ही लैके अगे चलना है। फरमेंटर्स जिहड़े ने वड्डे लैके ते उहदे बाद ज्यादा सीड प्रोड्यूस करना है, और ये असी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट लोग भी शामिल हो जान। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट का तुम पता है हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, उनका रिवाज पाना होता है। हाँ सर, सक्सेस स्टोरी एस्टैब्लिश की थी और बंदे ने दी उन्होंने कहा लो भाई जी करो। हाँ जी हाँ, और फरमेंटर जिहड़े ने उन्होंने लिमिटेड उन्होंने कैपेसिटी और वो लिमिटेड ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर कोई वड्डे फरमेंटर्स मिल जान, वड्डे वो चले जान, तो उसके नाल फिर एक कमर्शियल लेवल ते तुसी ये सारे सीड्स वगैरह दे सकते हो। यानी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के विच डिपार्टमेंट जिहड़ा स्टैटिक कारपोरेशन जिहड़ी काम कर रही है और वो तरीके वो सीड वराइटीज और वो चीज़ा लिया के देगी। और अल्टीमेटली हुकूमतों का काम कभी भी बिजनेस करना नहीं होता, बल्कि बिजनेस का एक राह एस्टैबलिश करके देना होता है, फैसिलिटेट करना, रेगुलेट करना। गलबात करने छोड़ जी ब्रेक तो बाद।